हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सिप्रम। मैं आज मेकअप ब्रश की रिव्यू कर रही जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं और इसका प्राइस है 199। तो चलिए पहले देख लेते हैं ब्रश जो है कैसे मुझे रिसीव हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस टाइप के पैकेट में रिसीव हुआ है मुझे ये ब्रश। अब इसे पहले कट करके निकाल लेंगे। पहले इसका स्लीव जो है उसको निकालेंगे क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ मुझे रिटर्न करना पड़ा तो स्लीव के ऐसे ही रिटर्न होगा फिर से, इसीलिए स्लीव को निकाल के मैं अच्छे से रख दे रही हूँ। पहले अब इसे एक सीजर के हेल्प से कट कर लेंगे। कट करके उसको ब्रश को निकालेंगे। मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसा आया हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, छोटा सा है बट मैं यहाँ पे पिंक कलर में ऑर्डर किए थे, मुझे वाइट कलर में रिसीव हुआ। बट कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा, प्यारा लग रहा देखने में। ये वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के अंदर आया हुआ, फिर से छोटा छोटा प्लास्टिक के अंदर है। ये देख ही सकते हैं यहाँ टोटल 10 ब्रश है, 5 स्मॉल ब्रश 5 ब्रॉड ब्रश है। पहला जो ब्रश मैंने ओपन किए हैं छोटा सा स्मॉल ब्रश से, इसका एप्लीकेटर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। देख ही सकते हैं मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, जैसे मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ तो अच्छे से पहले चेक करती हूँ, उसी तरह मैं चेक करके ही दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देख सकते हैं एक टाइप के दो ब्रश है, बस हल्का सा छोटा है और हल्का सा कलर जो है उसका डिफरेंस है दोनों में। छोटा पाइप ब्रश है, देख सकते हैं इससे अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा इजीली। मैं हाथ पे इसलिए करके देख रही हूँ, मैं कुछ भी लेने से पहले देख लेती हूँ हाथ में ब्रश व्रश, क्योंकि ये चुभ नहीं रहा है ये वो, इसी वजह से देख ले रही हूँ। और आप लोगों को भी बोलूँगी अगर कोई भी ब्रश ऑर्डर करते तो पहले हाथ पे उसे ब्लेंड करके देख ले जो ठीक से हो रहा है या नहीं, उसके बाद ही फेस पे अप्लाई करें उससे। अब मैं ब्रॉड वाला ब्रश लेकर देख रही हूँ ठीक ठाक है या नहीं, देख ही सकते कितना ज़्यादा। इसका एप्लीकेटर जो है बहुत ही अच्छा है, इसका प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा सामान है ये। देख सकते हैं मैं अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। देखिए ये वाला ब्रश जो है इसका थोड़ा सा टिप निकला हुआ है, इससे आप इजीली अंडर आई को कवर कर सकते हैं। दो छोटा स्मॉल एक है, एक ब्रॉड एक है, इसी टाइप के इससे आप पाउडर को भी सेट कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगी आगे भी कैसे करना है, बस यहाँ पे दिखा दे रही हूँ ब्रश का क्वालिटी वाइज कैसा है नहीं है। एक टाइप के दो ब्रश है, जैसे कि बोले मैं चार ब्रश है एक ही टाइप के हैं, मतलब चार नहीं, दो छोटा है दो बड़ा है, एक टाइप के ही है। देख सकते हैं अच्छा इजीली ब्लेंड भी हो जाता है, अप्लाई करने में भी अच्छा, ब्लेंड करने में भी अच्छा लगता है। मैं ब्रॉड ब्रश को अलग करके दिखा रही हूँ और स्मॉल ब्रश को अलग करके भी दिखा दे रही हूँ, देख ही सकते हैं। देखिए ब्रॉड ब्रश है, ये स्मॉल ब्रश है, इसे अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रश है, उसका प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा ब्रश है ये। अगर आप बिगिनर से तो ले सकते हैं ये ब्रश। इस पहले इन पांचों ब्रश कर दिखाएंगे क्या क्या कर सकते हैं इससे। जैसे ये वाला ब्रश, इससे पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, इससे इजीली अप्लाई भी हो जाता है। देख सकते हैं इस ब्रश से आप क्या कर सकते हैं। देखिए ब्रश कोई भी रहे बट उसे आप कैसे यूज करना चाहते हैं वो आपके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी ब्रश रहे, जैसे फाउंडेशन ब्रश रहता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर लेती हूँ एडजस्ट, ऐसे आप भी एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसे ब्रश पाउडर अप्लाई किया, मैं आपको फाउंडेशन अप्लाई करके दिखा रही हूँ फाउंडेशन ब्रश के से। आपको इनमें एक टाइप के दो ब्रश मिल जाते हैं, बस एक थोड़ा सा छोटा रहता है एक थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता, उतना पता भी नहीं चलता कितना बड़ा है। जैसे कि देख रहे हैं देखने दूसरा सेम है दोनों, बस हल्का सा इसका जो ब्रश के कलर है थोड़ा तो सा है, इसका ब्राउन कलर है और सेम है दोनों। थोड़ा सा इसका ये निकला हुआ भी है, चलिए कोई बात नहीं वहाँ से कट कर लेंगे। इससे भी आप इजीली पाउडर को कर सकते हैं, इससे ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इससे पाउडर अप्लाई किया तो इससे ब्लश अप्लाई कर सकते हैं इजीली, इससे ब्लश भी अप्लाई हो जाता है हल्का सा, बस इससे छोटा ज़्यादा कुछ नहीं, कलर सेम है बस ब्रसल के कलर जो है थोड़ा सा अलग है। जैसे कि एक ब्रश है इससे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं।
इसे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फाउंडेशन अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। हैंड्स पे अप्लाई करूँगी, फेस पे नहीं, क्योंकि मैं फेस पे ऑलरेडी मैंने कर ली है, इसी वजह से हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जैसे कि हैंड पे थोड़ा सा एक पंप ले लेते हैं, थोड़ा सा ले लिए, अभी से ब्लेंड करेंगे इस ब्रश के अंदर। पहले पूरे फेस पे से अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इसे ब्लेंड करेंगे। तो अच्छा सा मेरा ब्लेंड हो गया इसी से, और अच्छा से हो गया, स्पीड में भी हो जाता है। अब अगर जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे हैं, जल्दी जल्दी में मेकअप करना है, अगर फाउंडेशन अप्लाई करना है, तो इससे इजीली अप्लाई हो जाता है, जल्दी से ब्लेंड भी हो जाता है। देख सकते हैं तो जल्दी मेरा ब्लेंड हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। अब इसका नेक्स्ट जो है उसको दिखाते हैं। हल्का सा छोटा है ये, इससे भी आप, इससे आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं फेस को, बस हल्का सा छोटा है। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं किए थे, इसी वजह से करके दिखा दे रहे ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए, इसी वजह से मैं कर रही हूँ अभी। इसके हेल्प से आप जॉ लाइन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने जॉ लाइन इधर का जॉ लाइन कंट्रोल करने में इजी होता है इससे। तो देख लिए दोनों ब्रश के कैसे वो काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रश पे, जो कि है बड़ा ब्रश में, बस सिंगल एक ही ब्रश है ये बचा हुआ। इससे आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल भी इससे आसानी से, इससे भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा टिप निकला हुआ है, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आई अंडर आई को यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करना, कंसीलर सेट करना, तो इसे कर सकते हैं ऐसे इजीली, थोड़ा सा टिप निकला हुआ। नोज को भी हल्का सा, नोज को नहीं कर सकते हैं ऐसे इजीली, आप इससे कर सकते हैं अंडर आई को कवर, फाउंडेशन, कंसीलर या फिर पाउडर कुछ भी, या फिर इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं, चिक्स को अपना कंट्रोल कर सकते हैं स्किल से। अब जाते हैं स्मॉल ब्रश पे, सिंगल जो इसमें जो सिंगल ब्रश है उसमें, इससे आप आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं इजीली। हैंड्स पे अपना करके दिखा रही हूँ, बस इजीली इसे ऐसे से अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, बस इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला ब्रश जो है, इसे ब्लेंड करना है आपको अच्छे से, हल्के हल्के हाथों ही ब्लेंड करना पड़ता है, लेकिन ब्लेंड करने के बाद उतना नहीं हो रहा है, जैसे पता चल रहा था नहीं कर सकते ना, बस आई पे करेंगे तो ठीक रहेगा, हैंड्स पे किए इसलिए उतना पता नहीं चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रश पे, जिससे आप नोज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके लिया थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, आपको इजीली इससे नोज को कंट्रोल हो जाएगा। ये भी आता है, ये वाला ब्रश से आप आई शेडो को ब्लेंड भी कर सकते हैं, इससे भी नोज को कंट्रोल कर सकते हैं, सेम जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, कोई भी रहे तो कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको जिससे आपको सुविधा होता है उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी ब्रश जो है, इससे आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, नोज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रीम कंसीलर जैसे कि होता है नोज को कंट्रोल के लिए, इससे अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अप्लाई करने के बाद इसके हेल्प से आप ब्लेंड कर सकते हैं। कोई मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी तब इन्हीं सब ब्रश लेकर ही मेकअप करूँगी, ताकि आप लोग को देख के समझ में आए कैसा है, कैसा वर्क कर रहा है, क्या है नहीं है। बस इसका प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा ब्रश है, इसमें 199 में आपको 10 ब्रश मिल रहा है, और फिर क्या चाहिए। आप लोग अगर परचेस करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देने की कोशिश करूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट से आप लोग डायरेक्ट जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।